तो गाइस पहला दिन खाली कल परसों देखने मजा आ जाएगा यहाँ का नज़ारा। सकते हो यहाँ पर आप लोग को लाइन लगाना पड़ेगा पूजा के लिए, अंदर जाने के लिए। इधर कावड़ बना सड़क दिया यहाँ पर। हाय गाइस, आज का न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस आज मैं फिर से आ चुका हूँ माँ मजारी धाम मंदिर में। और गाइस आज से नवरात्रि का पहला दिन है। और गाइस आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस आप लोग को मैं दिखलाने वाला हूँ माँ मजारी धाम मंदिर का व्यू और यहाँ का नज़ारा। और यहाँ कितना श्रद्धालु लोग आ रहे हैं पहला दिन से, वही सब दिखलाने के लिए आया हूँ गाइस। और आप लोग को दिखलाऊँगा यहाँ का झूलना वगैरह, कि झूलना भी चालू हो गए या नहीं हो गए हैं, तो सब दिखलाने वाला हूँ। तो गाइस आप लोग वीडियो का एंजॉय कीजिएगा। और गाइस आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। तो गाइस ऐसा ही वीडियो आप लोग के लिए लाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस चलता हूँ और आप लोग को दिखलाता हूँ। तो गाइस इधर है पार्किंग और यहाँ देख सकते हो यहाँ पुलिस वगैरह की व्यवस्था कर दिए हैं। यहाँ गाइडलाइंस चालू हो गए अपना सुरक्षा के लिए। गाइस चलेंगे अंदर की ओर। तो गाइस यहां से चलेंगे और इधर देख सकते हैं इधर पूजा सामग्री मिलता है। पहले ब्लॉग बना चुके हैं तो गाइस इधर का आप लोग तो नहीं दिखलाऊंगा, सीधा अंदर लेके जाऊंगा। तो चलते हैं इधर। और इधर देख सकते हो आज पहला दिन है तो उतना लोग नहीं आ रहे हैं अभी, कल परसों स्टार्ट हो जाएगा। और देख सकते हो गाइस यहाँ पर क्या चीज़ बना, रावण बना कर रख दिया यहाँ पर। और आप लोग को दिखलाते हैं इधर देख सकते हो फूल वगैरह का है दुकान है, यहाँ से चाहे तो आप लोग फूल वगैरह ले सकते हो। और यहाँ देख सकते हो पंडाले वगैरह लगा चुके हैं। और इधर सकते हो बाबा जी बैठा हुआ है। तो गाइस इधर देख सकते हो यहाँ पर आप लोग को लाइन लगाना पड़ेगा पूजा के लिए, अंदर जाने के लिए। इधर शटर लग गया है, नवरात्रि में शटर लग जाता है, तो यहाँ पर लाइन लगाकर आप लोग को अंदर घुसना एंट्री करना रहता है। तो गाइस अभी तो उतना भीड़ नहीं है, लेकिन कल से कल पर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़। तो आज पहला दिन है इसलिए उतना भीड़ नहीं है। तो यहाँ पर गेट लगा देख सकते हो माँ बंजारी धाम में। और चलते हैं अंदर, चलते हैं इधर और इधर का आप लोग को दिखलाते हैं पंजारेश्वर धाम महादेव में। इधर देख सकते हो सजावटें। तो गाइस यहाँ का भी व्यू आप लोग को दिखला दिया था, तो यहाँ से अंदर को इधर चलेंगे। और यहाँ सजावट ज़बरदस्त इस बार, चलो फवारा वार चालू कर दिया है यहाँ पर, दिखने ज़बरदस्त है। तो गाइस सबसे पहले हम ऊपर को चढ़ेंगे और आप लोग को दिखलाएंगे ऊपर का व्यू, ऊपर में भोलेनाथ जी। और देख सकते हैं काफ़ी यहाँ सलाह लोग सभी पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर सजावट देख सकते हो गाइस, काफ़ी ज़बरदस्त सजाया गया है, लाइटिंग वाइटिंग ज़बरदस्त लगाया गया देख सकते हो। एक बार चारों तरफ का आप लोग नज़ारा दिखा देता हूँ। चलते आगे की ओर, हर हर महादेव। तो एक है इधर हनुमान जी के पास जाने के लिए जाना पड़ेगा। फिर चलेंगे झूलना की तरफ, क्या क्या झूलना लगा है, क्या क्या इस साल लग, क्या क्या नहीं लगा है आप लोग सब दिखलाएंगे। तो गाइस यहाँ से मेला स्टार्ट हो जाता है, देख सकते हो यहाँ की दुकानें। और आज फर्स्ट दिन है, इतना
माहौल नहीं है, फिर भी आप लोग को दिखला देता हूँ, फिर दिखलाएंगे आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ का अच्छा खासा भीड़ रहेगा तब दिखलाएंगे, सभी चालू हो जाएंगे तब। तो इंस्टॉल काफ़ी मात्रा में लग चुके हैं देख सकते हो, और कुछ यहाँ का झूलना भी स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ बंद है अभी देख सकते हो, और आकाश झूलना स्टार्ट हो चुका है यहाँ से दिख रहा है। तो गाइस जाते हैं पास में और आप लोग को दिखलाते हैं। ये वाले झूलना गाइस अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, हो सकता है कल से स्टार्ट हो जाएगा। और इधर है गाइस पहला दिन, खाली खाली मज़ा नहीं आ रहा है देख सकते हो, खाली खाली घुमा रहा है आकाश झूलना को। ब्रेक डांस भी चालू हो चुका है, यहाँ भी कोई लोग अभी बैठे नहीं है, फिर भी इसको अभी घुमा रहे हैं, देख रहे हैं सब टेस्ट करके अच्छा खासा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कल से परफेक्ट चालू हो जाएगा, कल परसों से, तो देखने में मज़ा आएगा। इस बार मौत कुआ आया नहीं है, नहीं मौत कुआ भी आता है यहाँ पर। वही से बच्चे लोग का ट्रेन देख सकते हो चालू हो चुका है और बच्चे लोग मज़े ले रहे हैं। तो गाइस आप लोग को दिखला देते हैं पहले यहाँ का टिकट कितना लगेगा ब्रेक डांस का। तो आप लोग को दिखला देता हूँ, एक बंदा का 50 रुपये लगेंगे ये बुकिंग काउंटर, और 50 रुपये एक व्यक्ति का लगेगा। तो आकाश झूलना में मतलब ब्रेक डांस के लिए, और आकाश झूलना के लिए देखते हैं यहाँ कितना लगेगा एक व्यक्ति का। यहाँ भी देख सकते हो गाइस 50 रुपये लगेगा एक व्यक्ति के लिए, यहाँ भी एक व्यक्ति के लिए 50 रुपये लगेगा। और ये बच्चे लोग का है, बच्चे लोग का तो पता नहीं प्राइस लिखा नहीं है कितना है कितना नहीं। और एक है ये वाला का कितना प्राइस है इसका, इसका प्राइस तो लिखा नहीं है, इसका प्राइस भी एक व्यक्ति का 50 रुपये है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो इस टाइप का यहाँ झूलना का प्राइस है। तो गाइस आप लोग को भी गाइस आप लोग भी आइएगा और यहाँ का मज़ा लीजिएगा बैठकर माँ बंजारी धाम मेला का। तो गाइस है तो यहाँ का व्यू, तो गाइस इस टाइप का है यहाँ का झूलना वगैरह। और गाइस फर्स्ट दिन है इसलिए उतना पब्लिक आया नहीं है, तो गाइस मज़ा नहीं आ रहा देखने में भी। तो गाइस कल परसों और आएंगे और यहाँ का ब्लॉग आप लोग को फिर से दिखलाएंगे। तो गाइस आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मुलाकात करेंगे। तो गाइस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।